बेसिकली फ्रूट्स आर बेसिकली, जैसे कई लोग सिर्फ फ्रूट्स में क्या होता है, दे डोंट हैव प्रोटीन्स, दे हैव विटामिन्स, दे हैव न्यूट्रिएंट्स, दे इवन हैव कार्ब्स, शुगर भी हैं, लेकिन दे डोंट हैव प्रोटीन। सो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी, आपके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा इफ़ यू आर टेकिंग ओनली फ्रूट्स, तो दैट्स नॉट गुड। रेगुलरली फ्रूट खाना जरूरी है, प्रोटीन कम होगा तो मसल लॉस होगा, आपकी बॉडी में मसल मेंटेन नहीं होगा। सो रेगुलरली फ्रूट डाइट करना इज नॉट ऑल्सो गुड आइडिया। सेकेंडली, इससे भी आपका वाटर वेट लॉस होगा और आपका वेट गेन वापस हो जाएगा तुरंत। सो फ्रूट डाइट इज नॉट ऑल्सो नॉट अ गुड डाइट, राइट? अल्कलाइन डाइट, कई लोग अल्कलाइन डाइट के बारे में सुना होगा कि भाई ऐसे खाने खाओ जो के अल्कलाइन है, एसिड वाले, एसिडिक खाने मत खाओ, इससे आपकी हेल्थ बेटर होगी, इससे वेट बेटर होगा। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता है कि देखो हमारी बॉडी ना बहुत चालाक है, बहुत समझदार भगवान ने बनाई बॉडी है। बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का पीएच और किसी चीज का पीएच नहीं होता, और ब्लड का पीएच इतनी आसानी से नहीं बदलता खाने पीने से, अनलेस अंटिल आपकी किडनी लिवर डैमेज हो। किडनी लिवर डैमेज होते हैं तो ही आपका ब्लड का पीएच बदलता है, वरना नहीं। फूड कैन नॉट चेंज द पीएच ऑफ योर ब्लड, इसका पर डिटेल वीडियो भी है मेरा यूट्यूब पे। अल्कलाइन डाइट इज अ मिथ, अगेन इट वोंट मेक यू बेटर, इट मे वोंट क्योर योर डिजीज, इट कोई वेट लॉस तो कतई भी नहीं होता। सो अल्कलाइन डाइट से कुछ नहीं। हाँ, कुछ चीजें आप जो तुक्के में क्या होता है कि अल्कलाइन डाइट या ऐसी कोई भी डाइट करते हुए प्रॉक्सी वेट लॉस होता है। प्रॉक्सी मतलब थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है कि हाँ मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, तो आपकी बॉडी खुद थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाती है, खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ें खाती नहीं है, तो वो एक तरीके से मान लीजिए प्लासीबो इफेक्ट आ जाता है। सो अल्कलाइन डाइट इज नॉट अ गुड डाइट अगेन। देन कई लोग तो इतने एक्सट्रीम चले जाते हैं, जैसे जूस डाइट, लेमन जूस डाइट, क्लेंस मास्टर क्लेंस डाइट, जैसे हमने बताया, सेलिब्रिटीज भी, कई एक डिटेल वीडियो भी है इस पे मेरा, कि उसमें क्या हो जाता है, लेमन जूस, मेपल सिरप और पेपर, इसको मिक्स करके 6 से 12 गिलास पूरे दिन में पीते रहते हैं, लेमन जूस, लेजन जूस, और एक लैक्सिटिव लेते हैं, मोशंस लाते हैं जोरदार, और लगता है उनको बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, बॉडी भी डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, लिवर साफ, बॉडी साफ, भलते हलते। चैनल भी है यूट्यूब में जो उल्टे सीधे ऐसे ऐसे चीज़ें देते हैं लोगों को एडवाइस, एब्सोल्यूट रबिश। वाटर वेट लॉस होता है, बॉडी की इंटेस्टाइन से आपके नॉर्मल फ्लोराज क्लीन हो जाते हैं, नॉर्मल फ्लोराज उड़ जाएंगे तो सुपर सुपर इन्फेक्शन जो होते हैं उसके ऊपर वो हो जाएंगे आपको, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेट खराब, ये प्रॉब्लम्स आती है कई लोगों को, इसके बाद बहुत टाइम लग जाता है रिकवर करने के लिए। सो इट्स नॉट गुड, इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑल्सो, डिहाइड्रेशन ऑल्सो, भी पानी निकलता जाएगा शरीर से लैक्सिटिव लेके तो होगा ही होगा, राइट? और ऐसे ही कई लोग सिर्फ और सिर्फ पानी पे जिंदा रहने की सोचते हैं। अगर आप पानी पे जिंदा रहेंगे तो रह सकते हैं जिंदा, क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। खाना नहीं खाना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। जिंदा रह सकते हैं? रह सकते हैं। क्या इनमें से कोई भी फैट डाइट में जिंदा रह सकते हैं? रह सकते हैं। क्या ये सब आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। सो बात समझिए, अच्छा बुरा के समझना जरूर चाहिए, स्टडीज करके सारे करके आप ध्यान में रखिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल तो लोगों ने ब्लड टाइप की डाइट देनी शुरू कर दी है कि आपका ब्लड टाइप ये है तो आपको ये फूड खाना अच्छा रहेगा, वो उससे वेट लॉस होगा, इससे होगा। बहुत सही, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ ब्लड लॉ, लेकिन इसमें कोई प्रूफ बल्कि कोई लॉजिक ही नहीं है कि ब्लड टाइप आपके खाने पीने से कोई भी तरीके का एसोसिएशन है, कतई कोई एसोसिएशन नहीं है। कोई ब्लड टाइप के ऊपर डाइट की जरूरत नहीं है, यूजलेस है, इलॉजिकल है, बकवास है। फिर कोकोनट डाइट होती है, रॉ फूड डाइट होती है, बुलेट प्रूफ कॉफी होती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। कोकोनट डाइट में लोग क्या करते हैं, कोकोनट ऑयल लेते हैं, सिर्फ कोकोनट ऑयल लेते हैं, सोचते हैं कि कीटो डाइट, कीटोजेनेसिस होगा और रैपिड वेट लॉस होगा। ऑल्दो एक कीटोजेनेसिस एक अलग चीज है, उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट चीज है। ज्यादा कीटोसिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम कीटोसिस हो गया तो इफेक्ट नहीं आएगा। इट्स नॉट ईजी, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो कीटोन्स, कीटोन्स, कीटोसिस, कीटोजेनिक डाइट को समझना बहुत बहुत आसान नहीं है। और एमसीटी ऑयल्स और दूसरे ऑयल्स, इसको लेना नॉर्मल टाइम से लेना चल जाएगा, थोड़े मात्रा में अपने डाइट के 10 to 15% आप इसको लीजिए, टोटल 30% फैट से ज़्यादा मत लीजिए, ये रिकमेंडेशन है, ये हेल्दी है। यू हैव टू चूज व्हाट यू नीड। रॉ फूड डाइट, लोग सोचते हैं कि खाने को पकाएं ही ना तो उनके न्यूट्रिएंट्स बेटर रहेंगे, उनके अंदर एंजाइम्स प्रिजर्व्ड होंगे, फूड हीट कर देते हैं तो फूड्स के सब कुछ बर्बाद हो जाता है, रॉ फ्रूट, रॉ मिल्क, रॉ सब कुछ रॉ खाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब आप चीज़ों को नहीं पकाते,
तो चीज़ों में इन्फेक्शन रहने के चांसेस हैं, दूध में इन्फेक्शन रहने के चांसेस हैं, अंडा में, अंडे में इन्फेक्शन रहने के चांसेस हैं, खाने पीने की चीज़ों में इन्फेक्शन रहने के चांसेस हैं, सो देर इज अ रिस्क इन दिस ऑल्सो रॉ फूड डाइट में। जी हाँ, खाने को कम आँच में पकाना चाहिए, कम आँच में पकाने से, कम से कम पकाने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मेंटेन रहती है। दैट डज नॉट मीन कि आपको रॉ फूड डाइट पर चला जाना है, दैट डज नॉट मीन कि आपको रॉ फूड खाना ही नहीं है, दिमाग लगाना है, समझना है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, राइट। रॉ फूड से, सलाड सैलेड से, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, रॉ खाने से, वेजिटेबल डाइट से भी आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स अच्छे मिलेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड प्रोटीन्स ऑल्सो, मसल मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर कई लोग बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में चले जाते हैं कि भी साथ में खाएंगे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, कॉफ़ी में एक दो स्पून बटर डाल के बनाएंगे, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी आ जाएगा और इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस ज़्यादा होगा। क्वाइट फ्रैंकली देर इज नो साइंटिफिक बेसिस, देर इज नो लॉजिक, देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी थिंग एक्सेप्ट प्लासीबो, प्लासीबो इफेक्ट होता है और कुछ नहीं होता किसी का वेट लॉस होगा तो, वरना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैलोरी डेफिसिट के बगैर आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। सो ये सारी की सारी जो फैट डाइट्स हैं, ये आपको समझना है कि दे आर मोर ऑफ के आपकी बॉडी के वाटर लॉस या बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी करके आपकी बॉडी कमजोर होगी, आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। ग्रेन डाइट तो कोई चीज़ नहीं है क्वाइट फ्रैंकली, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन खाते हैं तो आपकी डाइट मेंटेन रहती है, अगेन आपको थोड़ी बहुत विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड फोर्टिफाइड ग्रेन्स, या आपको चाहिए दूध, या आपको चाहिए एनिमल प्रोटीन्स ऑल्सो। सो ये हुई बात दोस्तों फैड डाइट्स की।